हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं गौरी शंकर टीम फिजिक्स और मेरे साथ मेरे सहयोगी मैं मनीष। हेलो बच्चों, तो आज ये जो अपना फिजिक्स इको के टेस्ट चल रहे हैं, तो आज उसका फिजिक्स इको टेस्ट का सेवन नंबर आज डिस्कस करेंगे। तो करते हैं सर, शुरू किया जाए। बिल्कुल सर। तो पहला क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन क्यू ऑन द कंडक्टर एंड सी इज द कैपेसिटर। जैसे आप लोग जानते हो कि कैपेसिटर के लिए हमारे पास जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, अगर क्यू और वी के टर्म में होता तो हाफ क्यू वी लिख सकते थे, या सी और वी के टर्म में होता तो हम लोग हाफ सी वी स्क्वायर लिख सकते। आपके साथ ये है, the earth having volume V and surface area A, then find the capacitance. Capacitance आपको निकालना है जबकि volume दिया है और surface area दिया है। तो sir volume दिया है, surface area दिया है, तो इसे अपन लोग आप निकालने पहले आप निकालने। तो volume होता है 4/3 pi r cube, ऐसे निकाल लिए इसको, फिर से कर देते हैं V is equal to 4/3 pi r cube और एरिया हो गया आपका 4 pi r square, दोनों को डिवाइड कर दें तो V upon A is equal to r by 3 आएगा। तो r is equal to हो जाएगा 3 V by A। और फार्मूला जानते हो बच्चों, C is equal to 4 pi epsilon naught x का सब क्या होगा। कैपेसिटर हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर अपने को करंट देखना होता है, ठीक है। तो नीड मोर करंट, जहाँ पे ज़्यादा करंट की जरूरत होती है वहाँ पे करते हैं। फिर बहुत कम टाइम में हमें ज़्यादा चार्ज की जरूरत है तो कैपेसिटर यूज करेंगे, बैटरी भी यूज कर सकते थे। हाँ, है ना सर, बिल्कुल ठीक है। चलो करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये सेकंड, अब ये फोर्थ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कंडेंसर डिपेंड्स ऑन। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है बच्चों, तो वो कह रहा है कि वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फार्मूला होता है वो सी इज इक्वल टू 4 pi epsilon naught a by d होता है, क्योंकि 4 pi epsilon naught आर हमारे पास स्फेरिकल वाले के लिए है ना। यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो अपने पास कोई डाइलेक्ट्रिक हो तो उसमें, अगर डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज कर लेंगे अपने, मतलब अपने पास किस पर आ गया, प्लेट के एरिया पर, सेपरेशन पर और के पर। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है टाइप्स ऑफ मेटल, मेटल कैसा भी हम यूज करो, एल्युमिनियम को ले लो, कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है कंडक्टर होगा। अब थिकनेस ऑफ प्लेट मोटी है या पतली, उससे कोई मतलब नहीं। तो सारा का सारा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर ऑफ प्लेट सेपरेशन डी एट प्लेट एरिया क्रॉस सेक्शन ए सच दैट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज। यहाँ पर अपने को वर्क डन बाय द बैटरी पूछ रहा है, क्योंकि उस बैटरी में कंडेंसर को या कैपेसिटर को चार्ज करना है। तो सबसे पहले निकालें कि
कंडेंसर में हमें कितनी चार्ज है, कंडेंसर में हमारे पास कितना चार्ज है। तो चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, कितनी एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि हम चार्ज तो दे ही रहे हैं, ओके। तो अब एनर्जी हमारे पास क्या रहेगी, जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी हमारे पास होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम। तो ये हमारे पास आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वी, ये हो गया। अब वॉल्यूम वी कितना है, वी है हमारे पास ई इनटू डी के बराबर है, तो यहां पर हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू ए इनटू, ये हमें हो गया कि वहां पर अंदर एनर्जी स्टोर है। तो अब आपको जैसे मालूम है कि कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है हाफ क्यूबी होती है, लेकिन वर्क डन जो होता है वो टोटल मैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट क्यूबी मतलब डबल होता है। कहने का मतलब यहां ये है कि जो वर्क डन में बैटरी होता है वो एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर का ट्वाइस ट्वाइस होता है, बस सीधा वालों का पास आ गया क्योंकि यहां डबल कर देंगे, इसका डबल कर देना है अपने को, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इनटू यू हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन लगा इसका, यहां पर ये v पोटेंशियल नहीं है, हमने वॉल्यूम लिखा है, हां ठीक है। तो ये ध्यान रखने की बातें हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका दो पैरेलल प्लेट दी हुई है और कह रहा है टू लार्ज मेटल प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट आर चार्ज बाय सिग्मा प्लस का एंड माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब चार्ज डेंसिटी दी हुई है प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा था, आउटर सरफेस आर न्यूट्रल, बाहर कोई चार्ज नहीं, यहां पे इस साइड पर यहां पे कोई भी चार्ज नहीं। अब ये क्या कह रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन एंड बिटवीन एंड द आउटर प्लेट्स एंड आउटसाइड द प्लेट। तो देखो सबसे पहले इसमें अपने को ध्यान क्या रखना है कि ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये प्लस है, हमें मान लो यहाँ पे निकालना है सब, तो इसकी वजह से हमने मान लिया ये हमारे पास क्या है, वन नंबर प्लेट और ये प्लेट नंबर टू है, तो इस वन नंबर की वजह से इधर क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इधर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन ये बनेगा, और ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी। अब ये माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, इस जगह पर अगर हमें निकाला है तो इधर आ जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, एक इधर प्लस का एक उधर इधर माइनस का, तो टोटल हो गया एक्चुअली, तो आउटसाइड पर हमारे पास आ गया जी। अब इनसाइड की बात करें, अगर लोहा की बात करें तो इसकी वजह से जो पहला वाला है इससे क्या होगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, और इस वाले की वजह से हमारे पास क्या होगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, तो दोनों की डायरेक्शन एक ही है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो इधर की तरफ आएगी डायरेक्शन, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहाँ पर आ जाएगा कि बिटवीन द रीजन इसके बीच में और आउटसाइड पर क्या होगा जीरो, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अंदर पर और बाहर क्या होगा बेटा जीरो। मतलब हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होता है, बाहर में जैसे सर ने बताया कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के कारण अपोजिट डायरेक्शन में है और बीच में सेम डायरेक्शन में राइट हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलते हैं इस पर देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, टू पैरेलल प्लेट ऑफ एरिया ए एंड सेपरेटेड बाय टू डिफरेंट डायरेक्ट्रिक K1 एंड K2, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है K1 और K2, आई शो यू द फिगर द नेट कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करना, मतलब दो ऐसे प्लेट है ठीक है, उसके बीच में आप लोग को डायरेक्ट्रिक भरा हुआ है, पीछे में आप लोग को डायरेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो एरिया तो इसका भी जो आएगा वो और इसका एरिया दोनों का तो सेम रहेगा, सेपरेशन इसकी डी बाय टू है और इसकी डी बाय टू, तो हम लोग पहले इसके लिए निकाल लेंगे क्या कैपेसिटेंस, बेटा कैपेसिटेंस का फार्मूला सबको मालूम है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी होता है, यहाँ पर एरिया अपने पास ए है तो क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K1, K1 की जगह ये क्या आ गया 1 इनटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह कितना हो गया डी बाय, तो C1 अपने पास आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये अपने पास आ गया ठीक है। ऐसे ही C2 निकाल लो, तो C2 जब निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए C2 अपने पास क्या होगा, यहां पर फिर पे की जगह क्या आया ए की जगह 2 रख देंगे ठीक है, तो आप 2 रख देंगे तो एप्सिलॉन नॉट के मतलब 2 आ गया 2 ए अपॉन
डी बाई टू ये अपने पास आ गया तो ये गया ऊपर तो सी टू हमारे पास क्या आ गया फोर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब यहाँ पर ये देखिए ये और ये हमारे पास दो कैपेसिटर बन गए एक कैपेसिटर ये बन गया और एक कैपेसिटर ये बन गया। तो अब देखो ध्यान क्या रखना कि पैरेलल में आएगा या सीरीज में आएगा है ना। तो यहाँ पर ऐसे देखते हैं कि भाई यहाँ से जैसे मान लो बैटरी हमने कनेक्ट किया तो अब ये जो चार्ज यहाँ पर है ये प्लस 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 आया फिर इधर माइनस आया फिर इधर प्लस आया फिर इधर माइनस आया ठीक है ये इस तरीके से हमारे पास आता है और फिर इधर प्लस आया तो इधर चला गया। इसका मतलब क्या होता है कि जो चार्ज वहाँ पर है वही यहाँ पर है वही यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि दोनों अपने पास सीरीज में कनेक्ट है। तो अब दोनों को अपन लोग सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो सीरीज का फॉर्मूला सबको मालूम ही है। तो सीरीज का फॉर्मूला देखो बेटा C=C1+C2 करेंगे तो C=1/C1 अपने पास हो गया 1/C1+1/C2 ये हमारा पैरेलल क्यों होता है 1/C=2 1/C1+1/C2। अब देखो ध्यान से कि हमारे पास क्या हो गया ये 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है तो ये जगह ऊपर तो क्या आ गया ये आ गया अपने पास डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस डी अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट ए जोड़ना है या पैरेलल में जोड़ना है। अब आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 कि कैपेसिटर इज चार्ज टू 200 वोल्ट इफ इट हैज 0.1 कूलम चार्ज व्हेन इट इज डिस्चार्ज देन व्हाट बी द आंसर। तो पहले हमारे पास चार्ज था ठीक है और अब हमने उसमें एनर्जी निकाला है तो जितनी एनर्जी होगी उतनी एनर्जी डिस्चार्ज होगी। तो एनर्जी है कितनी ये एनर्जी क्या होगी हमारे पास हाफ इनटू क्यू इनटू वी होता है फार्मूला ठीक है यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ इनटू क्यू वी तो यू इक्वल हो गया हाफ क्यू की जगह में अपने पास है 0.1 ठीक है और ये अपने पास भी है 200 है इससे कट के आ गया 100 और ये 100 और ये 0.1 मिल गया क्या आ गया 10 जूल आ तो ये आपका आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए यहाँ पर देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है ये कह रहा है 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट व्हाट बी द इंक्रीज मतलब इनिशियल अपने पास 10 वोल्ट पर था और अब आ गया 20 वोल्ट पर। तो अब यहां पर हम लोग देख लें इनिशियल निकाल लें और फाइनल निकाल लें दोनों का डिफरेंस कर दें तो आ जाएगा तो सीधा से हम देखो लगा रहे फार्मूला हाफ ठीक है सी कैपेसिटर सी अब देखो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर हम डायरेक्ट लगा किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये हमारे पास आ गया फाइनल और ये वाला हो गया इनिशियल हाफ सी वी टू स्क्वायर फाइनल और हाफ सी वी वन स्क्वायर इनिशियल तो यहाँ पे रख देते हैं 1/2 अब 6 माइक्रोफैरड था इसको बदलो फैरड में बदल रहे 6 इनटू 10 इसको माइनस 6 कर दिया। अब देखिए वी टू कितना है वी टू है 20 ठीक है तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 400 आ जाएगा माइनस V1 के स्क्वायर करेंगे आ जाएगा हमें ठीक है। तो अब ये हुआ हमारे पास 3 एम्पीयर ठीक है तो ये हो गया हमारे पास 1/2 इनटू 6 इनटू 10 इज टू माइनस 6 इनटू 3 चला गया। अब इससे कट कर लो तो ये आ जाएगा 3 तो कितना हो गया 9 इनटू 10 इज टू माइनस 4 ये देखो आंसर कहां पर आ रहा है सेकंड आपका करेक्ट हो गया ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग करेंगे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है एज शोन इन द फिगर ए वेरी थिन शीट ऑफ एल्युमिनियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कंडेंसर। अब यहां पर दो प्लेट दी है ये प्लेट ये दी है एक प्लेट ये दी है इनके बीच में बहुत पतली सी एक एल्युमिनियम की फाइल लगा तो जब कभी ऐसा होता है तो कैपेसिटर को कोई चेंज नहीं होता मेटल है ठीक है अगर ये थिक होगा अगर ये थिक होगा जितना थिकनेस होगा उतने थिकनेस को हम लोग माइनस कर देंगे फार्मूला होता है एप्सिलॉन तो ये होता है c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t प्लस t बाय t ऐसा होता है
ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पी तो बहुत जीरो है, ठीक है, और के अपने पास क्या है, क्योंकि मेटल है, के इनफाइनाइट हो गया, तो हमारे पास के इनफाइनाइट हुआ, तो ये अपना टर्म आ गया जीरो, और ये हमारे पास जीरो नहीं है, तो वही बचा रहा अपने पास क्या, आप ए बाई, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो इस तरीके से अपन लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर ये टेन को क्या सर। हाँ हाँ आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो 11th में क्या लिखा है, more than by an external agent in separating the parallel plate capacitor, एक parallel plate capacitor है, जैसे मान लो ये दो parallel plate capacitor के plates हम लोग मान ले बच्चों, इनके बीच जो energy stored है, जब इसको separate करेंगे उतनी energy तो release होगी, हमें उतना ही work done चाहिए होगा, minimum के लिए हम लोग kinetic energy zero मान लो, तो half cv square इसमें energy stored होती है, तो half cv square ही work done करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं सर, ये क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या लिखा है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड डिसिपेटेड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर मेयर रेशियो, एक तो कितना एनर्जी स्टोर होता है, हम लोग एनर्जी को हाफ सी वी स्क्वायर लिख सकते हैं एक कैपेसिटर पैनल प्लेट कैपेसिटर के लिए, और जो वर्क डन बाय बैटरी होता है वो सी वी स्क्वायर होता है ना, वर्क डन बाय बैटरी को वी क्यू लिखते हैं यानी सी वी स्क्वायर, तो अब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा उतनी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, उतनी एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो बच्चों अगर आप इसका डिफरेंस निकालोगे ये भी कितना आएगा, हाफ सीवी स्क्वायर, यानी जितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई उतना ही लॉस भी हुआ, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 आ गया, 1:1 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सर, बिल्कुल। तो बच्चों ये 12th का आंसर था, बच्चे बेटा इसमें गलती बहुत करते हैं, क्योंकि वो क्या समझते हैं 1:2 का रेशियो करते हैं, हाँ वो कहते हैं भाई ये सी वी स्क्वायर है और ये हाफ सी वी स्क्वायर जो अंग्रेजी में मतलब होगा 1:2 का रेशियो लिखकर चले, तो ध्यान रखना। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, 13 में क्या लिखा है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर सी इज चार्ज टू पोटेंशियल वी, ठीक है, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग द कैपेसिटर, तो सबसे पहले हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं बच्चों, एक पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये एक कैपेसिटर है, क्लोज्ड सरफेस अगर आप ऐसा मान लो ये क्लोज्ड सरफेस है, तो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर में नेट चार्ज कितना होगा, जीरो हो गया, जीरो हो गया, अब अगर नेट चार्ज जीरो है तो आप क्या कह सकते हो, फ्लक्स हम लोग ऐसे लिखते हैं नेट चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, जब नेट चार्ज ही जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा, है ना सर, तो बस तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये तो क्वेश्चन नंबर 13 था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ये नेट चार्ज का मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मिलाकर, यानी कि टोटल चार्ज जीरो होता है, ये है ना सर, इसका आंसर जीरो हो जाएगा, वैसे क्योंकि तो कोई ऑप्शन भी नहीं है तो इसमें आपको कंफ्यूजन होगी भी नहीं। और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 था, ये क्वेश्चन 15 में आते हैं, 15 देखो बच्चों क्या लिखा है, The capacitance of a parallel plate capacitor is 12 microfarad. If the distance between the plate is double and area is half, D को double कर रहे हैं, A को half कर दे रहे हैं, then the new capacitance will be. Formula पहले लिखते हैं बच्चों, parallel plate capacitor के लिए हम लोग epsilon naught A by D by D. अब इसमें यहाँ पे लिखा है separation को double कर दिया ना, If the distance between the plate is double, यानी d को यहाँ पर हम लोग c dash लिखते हैं बच्चों, तो c dash के लिए d तो double हो जाएगा, और area के बारे में देखो क्या लिखा है, area is half, तो यहाँ पर लिख सकते हैं epsilon naught a by 2, ये भी नीचे आ जाएगा, यानी ये c का 1/4 हो जाएगा,
ठीक है सी को सी बात है अच्छा लगा भाई भाई 20 के लिए आपका पूरा हमारे पास सी आ गया और सी आपके पास है 1/4 12 का 1/4 3 हो जाएगा ये आंसर क्या हो जाएगा 3 मिलेगा सर है सर अब देखो आगे सॉल्व कीजिए अब आगे देखिए नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर 16 ऑन इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन ऑफ चार्ज कंडेंसर डायनर्जी अब देखिए है क्या कि जैसे मान लिया हमारे पास जो कैपेसिटर है ठीक है तो अब यहां पर है कि चार्ज को उतना ही रहेगा इसको अगर सेपरेशन इंक्रीज करेंगे तो चार्ज अपने पास रहेगा कांस्टेंट लेकिन जब हम लोग सेपरेशन इंक्रीज करते हैं मतलब डी बढ़ा रहे हैं जो डी बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस कम होगा तो हमारे पास जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c अब चूंकि ये कम हो रहा है सी हमारे पास क्या हो रहा है कम हो रहा है तो यू की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी तो हमारे पास क्या रहेगी सी हमारे पास क्या हो रहा था डिक्रीज हो रहा है क्यों डिक्रीज हो रहा है क्योंकि सेपरेशन हमारे पास क्या हो रही है बढ़ रही है तो अपने पास क्या बना ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 यहाँ ये ध्यान रखना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि चार्ज कांस्टेंट लेंगे या पोटेंशियल कांस्टेंट लेंगे तो जब बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल तो फिर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा मैं कुछ मेंशन नहीं किया है इसका मतलब चार्ज कंजर्व चार्ज कंजर्व बैटरी जैसे चल रही है तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था आगे चलते हैं 17 में आए देखते हैं यहाँ पर देखिए ये कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज 10 माइक्रो कूलम अनदर अनचार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज अलाउड टू टच इट फॉर सम टाइम आफ्टर दैट इफ द स्फीयर आर सेपरेटेड देन सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्जेस ऑन द स्फीयर विल बी इंटरेक्शन तो देखो एक हमारे पास एक ये है हमारे पास स्फीयर और एक अपने पास ये स्फीयर ठीक है एक का रेडियस अपने पास मान लिया 10 तो हमने इसको मान लिया R1 है और ये अपने पास क्या है R2 है तो अब इसमें देखो बहुत सारे डेटा में जाने की अपने को जरूरत नहीं और अपने को डायरेक्ट सोचना तो डायरेक्ट अगर आप लोग सोचे कि जब ये एक दूसरे से टच करेंगे तो पोटेंशियल सेव होगा ठीक है तो पोटेंशियल सेव होगा इसको तो अपने पास क्या होना चाहिए V = ऐसे चलते हैं हम लोग कि 1/4πε0Q/R ये होता है फॉर्मूला अब क्यू क्या होता है क्यू होता है अपने पास सिग्मा (4πr²) ये अपने पास बात बन गई अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दो तो v इक्वल क्या हो गया इसको k लिख देते हैं हम लोग ठीक है बार बार वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं सिग्मा (4πr²)/r अब देखिए ये r है ये है r तो एक r से एक r कैंसिल हो गया तो यहाँ पर देखो यहाँ पर v कांस्टेंट है v कांस्टेंट मतलब सिग्मा इनटू r की वैल्यू क्या होनी चाहिए कांस्टेंट होनी चाहिए मतलब सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो गया तो सिग्मा 1/σ2 = r2/r2 अब r2/r2 देख लो अपने पास क्या है r2 अपने पास है 20 और r1 क्या है 10 तो 2/1 का आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हेलो ब्रदर सर आगे चलते हैं तो अब आगे देखिए अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट है इफ देयर आर n कैपेसिटर एंड व्हिच आर पैरेलल कनेक्टेड टू v वोल्ट सोर्स देन एनर्जी स्टोर अब आपको मालूम है कि जब हमारे पास n कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो पैरेलल के लिए क्या होता है C=C1+C2+C3 अगर n कैपेसिटर है तो nc हो गया तो हमारे पास जो c इक्विवेलेंट आया वो आ गया हमारे पास nc nc ठीक है अब एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ CV² तो c इक्विवेलेंट इनटू V² हो गया तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड सेकंड है ठीक है बिल्कुल तो अब इसके बाद आते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है व्हिच इज नोन एज द कैपेसिटेंस टाइम कांस्टेंट तो टाइम कांस्टेंट आपको मालूम है फार्मूला का ध्यान होगा तो आप आराम से कर लोगे टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू क्या होता है CR चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट वो होता है कि जब 63% तक चार्ज का मैक्सिमम चार्ज कर लेता डिस्चार्जिंग में हम लोग 37% का ठीक है तो हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट टाउ होता है टाउ इज इक्वल टू सी इनटू आर तो अब यहां पर देखो कहीं पे सी और आर तो दिया नहीं है लेकिन अब देखना है अपने को जुगाड़ देखना है तो यहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है सी की जगह में एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी लिख सकते हैं तो अब
यहाँ पर देखो ये आंसर कौन सा मैच कर रहा है, आपका फोर्थ आंसर मैच कर रहा है, क्योंकि बच्चे उसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं, सोचते हैं सी आपको दिए नहीं था पेपर में, ठीक है बच्चे पूछने पूछ के आता है सर वहाँ पे जो सी आर होता है सी आर के लिए, जब उनको बोलो भाई बेटा सी आर ये सी ही तो लिखा है, कोई अलग चीज थोड़ी लिखी, ठीक है तो ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं इन सब का ध्यान रखना होता है। आगे बढ़िए सर, ये क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देखिए द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द पोटेंशियल, बहुत बढ़िया है चार्ज टू द पोटेंशियल मतलब चार्ज टू द पोटेंशियल, इसका वैल्यू ये जो रेशियो है यही तो कैपेसिटेंस है, यही तो कैपेसिटेंस है, तो हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर 1। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हेन अ डायरेक्टिंग मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द चार्ज कंडेंसर देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस तरीके से होती है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बनता है क्या बनता है सिग्मा बॉन्ड एप्सिलॉन बनता है, अब जब हम इसमें डायलेक्ट्रिक भर दिए, डायलेक्ट्रिक भर दिए तो यहाँ पर डायलेक्ट्रिक के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड एप्सिलॉन के हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा के की वैल्यू हमारे पास 1 से ज्यादा होती है, इसलिए क्या करेंगे कि डिक्रीज कर देंगे, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 बन गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कैपेसिटेंस बढ़ता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है एब्सोल्युट नॉट ना, ठीक है क्योंकि कैपेसिटेंस में होता है एप्सिलॉन के अपॉन डी सी, वो बात ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया ना सर, हां 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और अपन लोग आते हैं नेक्स्ट 22 नेक्स्ट है व्हाई a capacitor remains connected to a battery and dielectric slab is applied, तो देखिए अब अपने पास क्या दिया है कि मान लिया आपने कि बैटरी कनेक्टेड, ठीक है बैटरी कनेक्टेड है और सब पोटेंशियल अपना सेम रहेगा, ठीक है अब वो क्या कर रहा है कि डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहा है, पहले ऐसे था पहले ऐसे था, अब चार्ज का मतलब वेरिएशन होगा सीरीज बात है, अब यहां पर डायलेक्ट्रिक जब भर दिया तो क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, तो जो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा मतलब हमारे पास उसमें और चार्ज आता है, तो जैसा तो चार्ज का होगा चार्ज फ्लोस फ्रॉम बैटरी टू द कैपेसिटर, सीधी सी बात है कि भाई मान लिया हमारे पास कोई बकेट है उसमें कुछ पानी भरा, उस कुछ अगर खाली होगा तो और उसमें भर सकते हैं, लेकिन चार्ज और ज्यादा दे सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज आएगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पोटेंशियल सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यहां पे एक डिक्रीज अगर होता तो बात बन सकती था, है ना इसका एनर्जी के लिए हमने एक कर जो हाफ सी वी स्क्वायर, तो वी कांस्टेंट है जब सी इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस के कारण ये भी इंक्रीज होना चाहिए, यहां डिक्रीज दिख रहा है, ठीक है सर आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं 22 नेक्स्ट देखिए 23 हां नेक्स्ट है कि ये जो चालक की धारिता ये किस पर निर्भर नहीं करती, तो देखो जो जो धारिता होती है किसी भी चालक की धारिता वो हमारे पास Q और जो V होता है ये तो जब Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, ये धारिता उसको तो सी तो कांस्टेंट है, उसपे कैपेसिटी की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा ना भाई प्लेट का एरिया दिया है ना सेपरेशन दिया है कुछ नहीं दिया, इसका तो क्या होगा ये हमारे पास चालक की धारिता इन सभी पर निर्भर नहीं बनेगी, यहाँ पर ढूंढने के बच्चों इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, तो ये मटेरियल जो है ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब में है, ऐसा नहीं कि दो प्लेट के बीच का मटेरियल मटेरियल, यहाँ पर क्या है कि जिस मटेरियल का प्लेट बना ना द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल मटेरियल जिससे कैपेसिटर का प्लेट्स बने, ये कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, पहले आपको क्लियर होना चाहिए, है ना नेक्स्ट, हां बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडेंसर इज इन द फॉर्म ऑफ, अब जो एनर्जी होती है कैपेसिटर में जो एनर्जी आती है वो जब हम बैटरी से वर्क डन करते हैं तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए तो जो हमारे पास एनर्जी वहां पे जो वर्क डन करते हैं वो एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक
पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बाद में उसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं, बाद में उसको भी यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन का 25 में देखो, द कंडेंसर ऑफ कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट, तो पैरेलल में तो आप सीधे जानते हो फार्मूला C = C1 + C2, और अगर सीरीज होता तो 1/C = 1/C1 + 1/C2, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा, आंसर फर्स्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, आते हैं बच्चों, तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में देखो बच्चों क्या लिखा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज वेट बाय स्टैकिंग एन इक्वली स्पेस्ड प्लेट्स कनेक्टेड अल्टरनेटली। ठीक है, If the capacitance between any two plates is C, then resultant capacitance is, ध्यान से समझना है बच्चों, क्या लिखा है, alternating, ये एक प्लेट के बाद दूसरा प्लेट आपस में कनेक्टेड है, हम लोग थोड़े से प्लेट को लेकर के एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट ऐसे आपस में कनेक्टेड है, तो ये सब सेम पोटेंशियल पर होंगे, और ये दोनों प्लेट एक पोटेंशियल पर, जितने भी प्लेट्स होंगे, अब इसको हम लोग एक पोटेंशियल मान लें, इस इन सब का पोटेंशियल कुछ मान लेते हैं ना सर, बिल्कुल, इसको हायर पोटेंशियल मान लो, इसको ग्राउंड कर दो, कट कर दिया और पोटेंशियल, तो अब इन दोनों के बीच प्लेट वन और प्लेट टू के बीच एक कैपेसिटेंस, यहाँ पर एक कैपेसिटर बनेगा, पोटेंशियल सेम है, नहीं ये यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर यहाँ से यहाँ के बीच देखो ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, इन दोनों के बीच एक कैपेसिटर, यानी अल्टरनेट 1 2 3 4, अगर यहाँ पे 5 प्लेट हम ले रहे हैं तो कितने कैपेसिटर बन रहे, 4, अगर n प्लेट ले लेंगे तो कितने बन जाएंगे, n-1 बन जाएंगे, बिल्कुल, तो n-1 तो यहाँ पर नंबर हो गए, और जितने कैपेसिटर हैं सब के सब पैरेलल में होंगे, क्योंकि पोटेंशियल पोटेंशियल सेम पोटेंशियल हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर एक कैपेसिटर का कैपेसिटर c है, ऐसे n-1 कैपेसिटर को कनेक्ट करके पैरेलल में, तो n-1 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 26 था, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, द डिफरेंस इन इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ टू सिमिलर कैपेसिटर्स व्हेन जॉइंड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इज 6 μF। The capacity of each capacitor is, ठीक है, सबसे पहले तो ये भी दो कि each capacitor के लिए options तो दिए हुए हैं, तो क्या मानेंगे यहाँ पर दोनों similar capacitor है, तो दोनों की capacity same हो जाएगी, जब दोनों को parallel में connect कर दो तो C1 + C2 यानी 2C हो जाएगा equivalent capacitance, और जब series में connect करेंगे तो C by 2 हो जाएगा, direct हम लोग लिख सकते हैं बच्चों C/2, अभी दोनों का डिफरेंस है, इनका डिफरेंस दिया हुआ 6, बिल्कुल, अगर इनका डिफरेंस है 6 μF, आप उसको सॉल्व करके आप कैलकुलेट तो कर ही सकते हो बच्चों, है ना, 4 - 1 यानी 3C/2, ये 3 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 4 आ गया, ऑप्शन 2 सर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, तो सीरीज में C1 C/4 हो जाएगा, और पैरेलल में कितना है C2, पैरेलल में सबको ऐड कर दे ना, 4C तो 4 टाइम्स हो जाएगा, C1 + C2 + C3 + C4 करेंगे, अब हमें चाहिए C1 / C2, तो 1/16 आ जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, है ना सर, बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़े, हां ये 28 था, 29 देखिए, 29 में क्या कह रहा है बच्चों, दो कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस 5, दूसरे का 10, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, व्हेन अ 300 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन
द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, ठीक है, तो पहले तो इन दोनों को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ध्यान रखना एक का कैपेसिटर सी दूसरे का 2C है, तो अगर C और 2C दो कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में सॉरी सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, इतनी बड़े कैपेसिटर 2C में भी हो जाएगी भाई, ये ट्रिक जैसा आप यूज कर सकते हो बच्चों, जैसे रेजिस्टेंस होता है R और 2R, दोनों पैरेलल में होते हैं तो 2R/3 लिखते हैं, या C और 2C सीरीज में होंगे तो 2C/3 लिखते हैं, इसका मतलब अगर हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करें तो ये हो जाएगा 2 × 5/3, 10/3, तो 10/3 हमें क्या मिल गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया सीरीज में इसके, अब इसमें 300 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना, एनर्जी स्टोर्ड हाफ सीवी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, हाफ ये माइक्रोफेरेड है, आप इसको अगर ऐसा ही यूनिट में लिखो तो 10^-6 होता, बिल्कुल अभी यहाँ पे तो माइक्रोफेरेड ही लिख देते हैं सर, अभी ये माइक्रोफेरेड में ही है, अब जब आप एनर्जी लिखोगे तो हाफ सी के बदले हम लोग लिखते हैं 10/3 × 10^-6 और वी स्क्वायर को 300 × 10^4 लिख देते हैं, 9 × 10^4 तो ये 3 से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, ये 2 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ये 1 अलग है, ये 5 अलग है, 15 पहले मत समझ लेना बच्चों, तो 5 × 3 15 हो गया, × 10^-2.15 लिख सकते हैं, 0.15 आंसर नंबर 3 है, आंसर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये 29 का आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं बच्चों, ठीक है, 30 में ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर, एक फिगर गिवन है, ए और बी के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहां फाइंड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो कैपेसिटर है इसके दोनों टर्मिनल ऐसे कनेक्टेड हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये भी बी के पोटेंशियल के बराबर होगा, ये भी बी के पोटेंशियल के बराबर होगा, इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, हम लोग इसको शॉर्ट सर्किटेड बोलते हैं, तो शॉर्ट सर्किट है इसका कैपेसिटर तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो दो कैपेसिटर है, ये दोनों पैरेलल में है, इक्विवेलेंट कुर्सी हो जाए, कुर्सी हो गया ऑप्शन फर्स्ट, इसका फर्स्ट हो जाएगा, तो ठीक है सर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, देखो बेटा 31 क्या है, ये हमारे पास दिया हुआ है द प्लेट्स ऑफ एरिया ए आर अरेंज्ड एज शोन, द डिस्टेंस बिटवीन द ईच प्लेट इज डी, देन द नेट कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट, ठीक है, तो अपन लोग ऐसे मान लो इसको कि अपने पास ये ए है और ये बी है, ठीक है, इसको अपने मान लिया कि बैटरी से ऐसे कनेक्ट है, ऐसे कनेक्ट है, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये पूरा प्लस आ गया, इसका इस वाले में प्लस आ गया और इस पे हो गया माइनस, ठीक है, अब यहां पर देखें अगर ये प्लस है, ये प्लस है, ये वाला, तो यहां पर क्या देगा अपने सराउंडिंग में, इधर निगेटिव दे देगा, ठीक है, और इधर ये क्या है माइनस है, तो इधर ये प्लस आ गया, ठीक है, और ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस आ गया, ठीक है, और इधर क्या है इधर माइनस आ गया, ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया, तो अब इसका मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास कैपेसिटर बन गया, अपने पास 5 कैपेसिटर बन गया, 1, 2, 3, 4, 5 अपने पास कितने कैपेसिटर बन गया 5, अब ये देखना पार्ट जुड़े कैसे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, बस मेन मैटर वहां पर, तो देखो हमने ऐसे मान लिया कि ये हमारे पास है V1 पोटेंशियल, तो जब V1 ये है तो V1 ये भी होगा होगा, ऐसे हमने मान लिया कि ये हमारे पास V2 है तो ये भी बेटा V2 पर ही होगा होगा, क्योंकि एक ही प्लेट है, तो जो पोटेंशियल है जो ये है यहाँ पर है V1 यहाँ पर है, तो अपन लोग ऐसे बना लेते हैं, बैटरी कहाँ पर जुड़ी थी ए और बी पर जुड़ी थी, तो हमने मान लिया ए इधर है बेटा और बी इधर है और बीच में अपने पास क्या है V1 और V2 और दो रास्ते दिख गए V1 और V2, अब देखो अब हमारे पास A और V1 के बीच एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, तो ये हमने लगा दिया एक कैपेसिटर ये लगा, ठीक है, अब फिर देखो V1 और V2 बीच में एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, ये ऐसे लगा दिया, फिर V2 और B के बीच में V2 ये है और B ये है,
V2 ये है और B ये है, V2 और B के बीच में पास एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है राइट। अब आगे चले, अब आगे देखना है अपने को, अब ये V1 और B, तो V1 और B के बीच हमारे पास एक कैपेसिटर ये आ गया ठीक है। अब V2 और A के बीच हमारे पास एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, तो हमारे पास ये आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास बैलेंस ब्रिज बन गया। तो अब ये हमारे पास काम इसका हो गया खत्म, क्योंकि इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो के बराबर है। तो अब जब इन दोनों का रेशियो बराबर है तो ये हमारे पास है सी, ये सी, ये सी, ये सी, तो ये दोनों सी मिलकर के कितना हो गया सीरीज में आ गया C/2। ये दोनों सीरीज में मिलकर के क्या हो गया आ गया C/2। अब ये और ये दोनों किस में हो गए पैरेलल में, तो C/2 पैरेलल में जोड़ा तो हमारे पास आ गया सी। तो सी हमारे पास क्या होता है सेलेनॉइड होता है डायरेक्ट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ध्यान से करने की जरूरत है ठीक है। तो देखते हैं यहां पर ये कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी इसके बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना ठीक है बेटा। तो अब देखो, अब जब भी कभी ऐसा आ जाए लैडर टाइप में तो सबसे लास्ट वाले में हम लोग चलते हैं, तो ये लास्ट वाले में चले, ये हमारे पास तीनों किस्म है, ये हमारे पास तीनों सीरीज है 3 3 3 3 3 3 3 तीनों सीरीज जुड़े तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब ये जो 1 है अब इस 2 के साथ किस में जुड़ेगा पहले में जुड़ जाएगा, तो अब अपने पास ये बन गया, यहां पे ये बन गया हमारे पास 3 व्यूअर बन गया, और बाकी ये बना अपने पास ये था 3, ये था 3 ऐसे, और ये है अपने पास 2, और ये है अपने पास 3, और ये है अपने पास 3। अब ये सर्किट हमारे पास ब्रेक होकर के ये बन गया। अब फिर आगे देखो, फिर वही बात आ गई कि अब अपने पास क्या बन गया डी, ये 3 3 3, फिर हमारे पास क्या हो गया ये हमारे पास बन गए तीनों सीरीज में। तो अब ये तीनों जब सीरीज में आए ये और ये जब तीनों सीरीज में आए तो फिर वन आ गया, फिर वन और टू के साथ फिर पैरेलल में है तो हमारे पास क्या बन गया 3 बन गया। तो अब ये पूरा हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ गया। अब ये 3 इस वाले 3 और इस वाले 3 के साथ मिलकर के सीरीज में आ जाएगा, तो सीरीज में आ गया तो अपने पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं सर, 3 कंडेंसर ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी, कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड आर पुट इन सीरीज, ये हमारे पास 2 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर है सर ठीक है। तो अब ये किस में जोड़ना है सीरीज में, तो सीरीज के हमारे पास सीधा फार्मूला होता है E=C/N। अगर हमारे पास n कैपेसिटर अगर सबकी कैपेसिटेंस इक्वल है सीरीज में, अगर इक्वल है तो हम लोग सिमिलैरिटी यूज कर सकते हैं, तो C/N, C अपने पास क्या है C अपने पास दिया है 2, और कितने कैपेसिटर सीरीज तो कितना आ गया 2/3, बस कुछ नहीं बनता है टिक मारा ठीक है आपका 10 सेकंड के अंदर आ सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 33 34 34, क्वेश्चन नंबर 34 34 में कह रहा है इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द ए एंड बी, ए और बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना। तो अब ध्यान से देखने वाली बात है कि देखो ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, ये हमारे पास क्या है इसके बीच में जो पोटेंशियल है डिफरेंस है वो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये दोनों आ जाएंगे पैरेलल, ये हो गया क्या हो गया। अब देखो ए और बी, तो ऐसे हम लोगों ने लिख दिया ए और ये लिख दिया बी, अब यहाँ पर है 4, ए से बी के रास्ते में एक मिला 4 ये वाला मिला और एक ये वाला मिला, तो 4 और 4 ऐसे आ गए, ये 4 और ये 4, फिर ऐसे इस वाले रास्ते में से चले तो एक 4 में ये मिला और एक 4 में तो ये मिला 4 और 4। अब ये 4 और 4 अभी बताया था तो पहले से सीरीज में है तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, इसका करेंगे तो आ जाएगा 2, तो 4/2 लिखेंगे, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये अगर 2 और 2 दोनों पैरेलल में होंगे तो अपने पास आंसर 4 हो गया, आंसर नंबर 3rd करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 35, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखिए, 3 इक्वल कैपेसिटर ईच हैविंग कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो कभी भी इस टाइप में जब क्वेश्चन आता है तो वहां पे हम लोग ये नहीं ध्यान कर पाते
कि हम लोग सीरीज में है या पैरेलल में। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं सीरीज में जोड़ दिए, दो सीरीज में जोड़ दिए वो तीसरा पैरेलल में, लेकिन अपने को बस बेसिक कंसेप्ट क्या था, मतलब जब चार्ज से तो सीरीज और जब पोटेंशियल डिफरेंस से तो पैरेलल। ठीक है, अपने को देख लेना। तो ये पॉइंट मान लिया ए पर है, तो ये हमारे पास ए पर हुआ। अब यहाँ से देखो इस लाइन का कोई कैपेसिटर नहीं, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया ए। अब ये बी पॉइंट पर है, बी पोटेंशियल पर है। अब इसकी सीधे चलते चले यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी क्या हो गया बी। तो देखो ए बी के बीच में एक सी, ए बी के बीच में दूसरा सी, ए बी के बीच में तीसरा सी, मतलब ए और बी के बीच हमारे पास तीन कैपेसिटर ना है और तीन पैरेलल हो गए, क्योंकि तीनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, जब ये तीनों पैरेलल में हो गए और पैरेलल में आपको मालूम है कितना होता है एक सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है थ्री कैपेसिटर आर कनेक्टिंग आर्म्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी है शोन इन द फिगर, 5 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन ए एंड बी देन द वोल्टेज अक्रॉस बी एंड, हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना, हमें बीसीबी निकालना है। तो बीसीबी कैसे मालूम है, तो उसके लिए हमने को चार्ज निकालना पड़ेगा, तो चार्ज निकालना है अपने को। तो यहां पर हमने मान लिया इसके पूरे में चार्ज क्या है q1 और इसमें चार्ज क्या है मान लिया q2। अब बैटरी कहां पे कनेक्टेड है, बैटरी हर पर a और b बीच में कनेक्टेड है, तो ये कितना है 5 वोल्ट, ये अपने पास 5। मतलब अगर किसी तरीके से हम q1 की वैल्यू निकाल लें तो वही q1 यहां पर रहेगा, तो अब आराम से v q/c से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए अब ये दो और तीन किसमें जुड़े हुए हैं सीरीज में, दो और तीन अपने पास जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो सीरीज के पास हमारे पास जो फार्मूला होता है C1 C2 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 C1 C2
5, ये हमारे पास आ गए सी क्यू। अब क्यू वन निकाला, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है फॉर्मूला, तो क्यू वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी वन इंटू वी, तो क्यू वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी वन अपने पास है, ये पूरा कैपेसिटेंस ये कितना हो गया 6/5 वी का हो गया, वी अपने पास है 5, तो 5 से 5 है, तो क्यू वन अपने पास क्या आ गया ये 6। अब जब ये 6 निकल आया तो ये हमने अपने को क्या निकालना है इसके क्रॉस पोटेंशियल, इसके क्रॉस आपको पोटेंशियल निकालना है, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया q by c, v इज इक्वल टू क्या हो गया q by c, तो यहां पर क्या देगा q1 by c आ जाएगा, तो q1 by c कर दिया, पूरा हमारे पास है 6 और c कितना है अपने पास बेटा c है 3, तो अपने पास क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। और देखो बेटा ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक बार एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। हां ठीक है, सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व हो गया। अब देखो बेटा अगर इसके अक्रॉस बैटरी को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट किए हैं, तो इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर भी 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, हमें तो सिर्फ इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिएगा। बिल्कुल, इनको ऐसे कनेक्ट करें, ये 2 माइक्रोफैरड को C1 मान लो, इसको C2 मान लो, और इन दोनों के अक्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट 5। बिल्कुल, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो C1 by C1 plus C2 into net potential, ठीक है। अब ये formula आप use कर सकते हो यहाँ direct, V2 के लिए, V1 के लिए यहाँ, C2 उल्टा उल्टा। अब अगर आप इसमें value को put कर दो, C1 की value यहाँ पर कितनी है, 2 है ना, 2, तो 2 divided by C plus 2 into 5, अब direct इसका answer तो लिख सकते हो, तो process से भी solve कर सकते हो, trick से भी solve कर सकते हो, बस आपको formula ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सारे क्वेश्चन नंबर ये एक और था 36 हो गए, 37 देखिए। अब 37 में आते हैं द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। तो यहां पर सबसे पहले कभी भी ऐसा जुड़ा होता है तो हम लोग देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रिज बैलेंस वाली कंडीशन है ना, रेशियो चेक कर लें, तो रेशियो अपने पास यहाँ पे 3:6, 1:2 का रेशियो इधर, 1:2 इधर है और 1:2 इधर, मतलब कि हमारे पास ये ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस है, क्यों है, क्योंकि 3/6 और ये 4/8 दोनों बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो इसका रूल खत्म, सी और डी का पोटेंशियल सेम हो गया था, तो ये जो सेकंड वाला है मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई
चार्ज दे कुछ आता है, मतलब यहां पे चार्ज स्टोर यहां पर हमारे पास कुछ भी फ्लो नहीं होगा, मतलब जो चार्ज इधर जा रहा है वही इधर चला रहा है, तो जो चार्ज इधर जा रहा है वही इधर चला जाएगा, मतलब क्या होगा चार्ज दोनों में सेम रहता होगा हमारे पास सीरीज में, तो सीरीज में आ गया तो हमारे पास क्या हो गया इसको हमने मान लिया C1, तो आ जाएगा 3 × 6 / 3 + 6 9 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 2 μF, ऐसे ही इधर कर लिया ये हमारे पास हो गया C2 = 4 × 8 / 12, अब हमारे पास क्या आ गया तो 4 × 12 ये आ गया हमारे पास 8/3, अब ये देखो ये वाला पूरा और ये वाला ये हमारे पास जुड़ा किसमें पहले में जुड़ा हुआ, तो पहले में आप दूं तो पहले में हमारे पास क्या होगा C = C1, तो C2 तो C भी हमारे पास क्या जाएगा C1 + C2, C1 कितना है C1 है अपने पास 2 + 8/3, 3 × 6 = 14/3, ठीक है 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, 38 क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, तो ये कह रहा है ऑल कैपेसिटर यूज्ड इन दिस डायग्राम आर आइडेंटिकल ईच हैविंग कैपेसिटर सी देन द इफेक्टिव कैपेसिटर बिटवीन पॉइंट ए और बी, ए और बी इसके बीच में भी निकालना, तो देखो कभी भी जब ऐसा आता है तो हम लोग अगर इसको हाफ हाफ करके देखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है तो एक ही हाफ ये बना लिया और एक हाफ वाला बना लिया, तो अगर हम देखें तो यहां का पोटेंशियल सेम होगा, ऐसे इस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, मान लिया हमने इस पॉइंट का पोटेंशियल P मान लिया, यहां पे पोटेंशियल हमने क्या मान लिया P मान लिया, तो यहां पर भी P होगा, ठीक है तो A और B के बीच में 3 आ गया, तीनों पैरेलल हो गए, तो यहां पर हमारे पास A मान लिया, यहां पर P हो गया, तो A और B के बीच में हमारे पास क्या हो गया तीनों पैरेलल है, तो 3C लिख दिया, ठीक है ऐसे ही यहां पर अगर आप देखते तो यहां पर P और यहां पर B है, यहां पर B, तो देखो ये P और B, ये P और B और ये P और B, तो P और B कितना हो गया ये बेटा 3C हो गया, ठीक है अब ये दोनों सीरीज, अब ये दोनों अब आ गए दोनों सीरीज में, अगर तो ये A है और ये B है, दोनों बेटा सीरीज में करो तो कितना आता है 1.5, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये है आपके पास 3 प्लेट्स ऑफ कॉमन सरफेस एरिया A आर कनेक्टेड एंड शोन द इफेक्टिव कैपेसिटेंस, तो अपन लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ही बैटरी ऐसे है, ठीक है तो ये हमारे पास क्या हो गया प्लस है, मतलब ये पूरा यहाँ प्लस हो गया और इसके इस पूरे में तो प्लस आ गया, अब इसके अंदर साइड पर क्या हुआ ये माइनस आ गया, ये प्लस माइनस आ गया, ठीक है अब यहाँ का पोटेंशियल हमारे पास ए है, यहाँ का पोटेंशियल बी है, यहाँ का पोटेंशियल बी है, तो अब एक कैपेसिटर ये बन गया प्लस माइनस, एक कैपेसिटर हमारे पास प्लस माइनस से बन गया, अब ये दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर है दो कैपेसिटर, यानी दोनों पैरेलल में आ गए, पैरेलल में आ गए तो हमारे पास 2 ε0 A1 B, ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अपने पास दिया हुआ है द टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ द कैपेसिटर shown in the adjoining between the point A and B. A और B के बीच हमने को net capacitance calculate करना। सर्किट ऐसा दिया है। ये है 2, ये है 2, ये 1, ये फिर 2 और ये फिर 1। तो ध्यान से देखिए, ये और ये। यहाँ पर जो चार्ज इसमें जा रहा होगा, इसमें जा रहा होगा, तो ये दोनों किसमें आ गया? सीरीज में। तो ये हमारे पास आ गया 1 μF। अब ये यहाँ पर ये पूरा 1 μF बना और ये जो हमारे पास 1 μF है ये दोनों हमारे किस में आ गए ये दोनों हमारे आ गए पैरेलल ये दोनों किस में आ गए पैरेलल तो ये इस वन वाले के साथ क्या जुड़ जाएगा पैरेलल में जुड़ जाएगा अब ये पूरा सिस्टम फिर कितना बन गया ये बन गया मेरे पास ये बना अब ये फिर ये 2 पूरा बन गया अब इस वाले 2 के साथ किस में आ जाएगा सीरीज में आ जाएगा तो सीधा सीधा आ गया 1 सीधा सीधा अब ये पूरे को हटा दें इसको तो इसको क्या लिख सकते हैं इस पूरे को हटाकर पूरा 1 लिख सकते हैं 1 और इस 1 के साथ क्या हो गया पैरेलल में आ गया तो मेरे पास आ गया तो वो डायरेक्ट सीधा क्योंकि सॉल्व नहीं करेंगे बार बार डायग्राम बनाए बाकी और सब कुछ कितना टाइम एग्जाम में अपने पास भी रहती यही करना सोचते रहते हैं अपने क्या करना दोनों को सीखने है ना सीरीज में हाफ कर दो फिर पैरेलल में एंड पे बैठ कर दो फिर सीरीज में इक्वल है ना हाफ कर दो एंड पे बस करते चलो बढ़ते चले जाओ ठीक है तो ऐसे ही अपन लोग करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 40 आगे बढ़े सर 41 देखिए बोलते हैं तो 41 में चलिए
the capacity, the equivalent capacitance between A and B is, तो A और B के बीच में देखना है, यहाँ से यहाँ तक ये है, इस पॉइंट को हम लोग A लिख देंगे बच्चों, और ये B है, इस पॉइंट को B लिख सकते हैं ना, तो A और B के बीच एक कैपेसिटर तो यहाँ कनेक्टेड है, उसके अलावा तीन कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है आपस में, इनके लिए हम लोग C by 3 लिख दें और एक C, ये दोनों पैरेलल में होंगे ना, A से B के बीच है ना सर, बिल्कुल है सर, तो जब आप इसको एड्रेस करोगे तो 4 C by 3 हो जाएगा, 41 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 42, देखो 42 में क्या लिखा है, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x एंड y, ये x है, यहां y है, x और y के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, आप देख सकते हो ये जो है कंडीशन, सब ब्रिज स्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है क्या, हां बस मेन चीज वही देखनी होती, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, आप इस जॉइंट को थोड़ा सा इधर कर दो, ये कनेक्शन कुछ ऐसा है, यहाँ पर कैपेसिटर लगे हैं, यहाँ कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर, इस तरीके से सारा सिस्टम बना, तो ये जो 20 माइक्रोफैरड है इससे बस कोई इस पर चार्ज होगा नहीं, ये सी, ये सी, ये सी, और ये भी सी है, अब इसको छोड़ दो, इसको हटा दिया तो सबका इक्विवेलेंट भी सी ही आता है, यानी कि 6 माइक्रोफैरड, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और बढ़ते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 43, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन द गिवन नेटवर्क कैपेसिटेंस C1 इक्वल्स टू 10 माइक्रोफैरड एंड C2 इक्वल्स टू 5 माइक्रोफैरड एंड C3 इक्वल्स टू 4 माइक्रोफैरड, है ना, व्हाट इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, तो सबसे पहले ये दोनों को देखो, आप फिगर में ये दोनों पैरेलल में है, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 + C2 ये है 10, वो है 5, 10 + 5 15 है, 15 है, और हम लोग अगर बात करें C3 की तो ये 4 दिया हुआ है, अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं C1 C2 by C1 plus C1 plus C2 यानी कि 15 into 4 by 15 plus 4 ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा और इसकी वैल्यू 60 by 90 लिख सकते हो बच्चों, लगभग 3.2 के अप्रॉक्स ये आ जाएगा, ये आंसर सेकंड पर, सेकंड हो गया आपने वाले सर, हां अब क्वेश्चन नंबर 44 44 में लिखा है कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन सर्किट विल बी, तो ए और बी के बीच तो बहुत सिंपल सा सर्किट है बच्चों, ये दोनों पहले पैरेलल में है, ऐड कर दो 1.5 1.5 3 हो जाएगा, 3 फिर 3 3 3 तीनों सीरीज में है तो 3 बाय 3 यानी कि 1 हो गया, सीधा आंसर करेक्ट आंसर आप कर सकते हो 1 हो गया, नेक्स्ट वर्ड टर्म 45 में उसके साथ ये 1 पैरेलल में है तो 1 1 2 आ जाएगा यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है सर, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में ये है, अपने पास टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 आर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर, द वेरिएशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विद द डिस्टेंस एज मेजर्ड फ्रॉम प्लेट P, ठीक है, इस प्लेट P से यहां से यहां के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेजर करना, तो देखिए यहां पर एक डायरेक्ट्रिक हमारे पास ये भरा हुआ है और एक डायरेक्ट्रिक हमारे पास ये भरा, इस डायरेक्ट्रिक की जो वैल्यू है वो कम है और इसकी डायरेक्ट्रिक की वैल्यू ज्यादा है, मतलब बाद वाला जो डायरेक्ट्रिक ये वाला भरा हुआ है इसकी वैल्यू डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, ठीक है, अब यहां पर ये एयर है और ये हमारे पास मीडियम हो गया, फिर एयर है, फिर मीडियम, फिर एयर, इस तरीके से, तो जब हमारे पास
प्लेटों के बीच में जब मीडियम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है क्योंकि E होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K। तो हमारे पास जब K आएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हमारे पास कम होगा। इसको हम लोग E नॉट माने जो वैक्यूम में होगा पाई के 1/k टाइम्स K रहता है। तो अब देखते हैं अपन लोग कि हमारे पास अब यहाँ से यहाँ तक मान लिया हमारे पास क्या होगा, वो E नॉट है, ये पूरे में अपने पास मान लिया E नॉट, क्या होता है E नॉट एक सर्टेन वैल्यू। अब इसके बाद जब इस वाले मीडियम में इस वाले में तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमारे पास क्या होगी कम होगी। तो अब यहाँ पर देखो जरा हमारे पास ये वाला ऑप्शन है पहला, तो ये तो होने वाला है नहीं क्योंकि ये क्या हो रहा इंक्रीज हो रहा, तो पहले तो ये कर दिया अपने आप ही ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है सब बराबर ही हो रहा। अब यहाँ पर देखना है कि अपने पास ये वाला सही है या ये वाला सही, तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर ये हमारे पास बढ़ रहा है डायरेक्टली, तो यहाँ से ये ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हम इधर से इधर चले तो पहले कम हुआ, फिर यहाँ पर ये आया तो पहले कम हुआ फिर वही आ गया, और फिर इसका जो लेवल है इस वाले का इसका और कम आना चाहिए, क्यों क्योंकि हमारे पास K2 की वैल्यू क्या है K2 की वैल्यू हमारे पास ज्यादा है K1 से, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और कम आने इस वाले रिजल्ट है। तो अपने पास आंसर है आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार्ज क्यू ऑन ए कैपेसिटर वेरीज इन वोल्टेज वी एज शोन इन द फिगर ठीक है, वेयर क्यू इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वी अलोंग वाई एक्सिस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओएबी प्रेजेंट। तो यहां पर ये चार्ज है और ये पोटेंशियल, तो चार्ज और पोटेंशियल, तो चार्ज और पोटेंशियल का जो ग्राफ होता है ठीक है, तो ये ग्राफ हमारे पास है। तो अब ये एरिया है, अगर हम इसका एरिया लें तो एरिया क्या होगा कि हाफ क्यू टू भी होगा, तो हाफ क्यू तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एनर्जी का एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये सभी को तो आंसर नंबर 4 ठीक है। इस सारे क्वेश्चंस को आप लोग यूनिट एंड डायरेक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, कैपेसिटेंस का इमेज रिएक्टेंस का इमेज हां मैग्नेटिक फील्ड और बस एनर्जी आराम से सॉल्व कर सकते हो ठीक है। आप बिल्कुल नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी हां नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर पॉइंट, यहां पर करंट डेंसिटी वाटलेस करंट, देखो करंट तो हमारे पास क्या होती है करंट से स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन जरूर होती है लेकिन वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती, इसलिए इसलिए हमारे पास वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। पावर पावर में हमारे पास क्या है वेक्टर क्वांटिटी एफ डॉट बी और डॉट क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, तो अपने पास जो करंट डेंसिटी होता है रहेगा वेक्टर करंट डेंसिटी या वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी ठीक है भाई ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है डिफ्यूज वेलोसिटी वीडी वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब इंक्रीज करते हैं तो डिफ्यूज वेलोसिटी इंक्रीज होती है, I इक्वल टू एनी वीडी से एक्सीलेंट में करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये तो आप सीधा फार्मूला भी आप यूज कर सकते हो ठीक है। अगर बहन से हां तो मुझे लगता है ज्यादा कुछ नहीं है, बस सीधा है एड्रेस वेलोसिटी का ई टाउ का ऐसे इसको यहां से कह सकते हैं है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो डायरेक्ट कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए वायर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 मिलीमीटर डायमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.7 द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज, तो देखिए यहां पर लेंथ दी है, लेंथ दिया हुआ है l दिया हुआ है, l दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, अब यहां पे डायमीटर दिया हुआ है मतलब रेडियस आपका दी गई 2/2 मतलब 1 mm, 1 mm को मतलब हो गया 1 × 10⁻³⁰ तो अब ये हमारे पास क्या आ गया 10⁻³⁰ मीटर। नेक्स्ट हो गया हमारे पास ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर, आर अपने पास दिया हुआ 0.7, अब एरिया पहले निकाल क्रॉस सेक्शन एरिया ए इक्वल टू क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, एरिया अपने पास हो गया पाई
आर क्या है, आर है प्लस 10^-3 तो 10^-6 हो जाएगा। उसको 22/7 लेते हैं, 22/7 10^-6। अब सीधा सीधा है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है फार्मूला, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर कितना हो गया, आर अपने पास से 0.7 इंटू ए, ए अपने पास से 22 बाई 7 इंटू 10^-6 उसको कट कर दे तो 0.1 आ जाएगा, तो अपने पास आ गया 2.2 इंटू 10^-6 ओम मिल। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड जब भी कभी स्ट्रेचिंग वाली बात होती है तो स्ट्रेचिंग वाली बात होती है तो ओवर लेंथ के साथ हम लोग लेते हैं तो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर करते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। और अगर हमारे पास मान लिया रेडियस की बात होती है तो वहां पे इनवर्स के प्रोपोर्शनल टू आर आर को फुल करते हैं, फुल करते हैं है ना, आर इनवर्स की प्रोपोर्शनल टू 1 आर को फुल। तो यहां पर चूंकि लेंथ की बात हो रही है तो यहां से अगर हम देखें जो परसेंटेज बहुत कम है तो हम ऐसे लिख देते हैं डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू 2 वाई सो डेल्टा एल अपॉन एल अपर सेंटर की लेना है, ठीक है, इनको यहां पर एंड कर दिया, ये हमारे पास कितना आ गया, तो ये अपने पास 0.1 दिया हुआ है तो 2 इनटू 0.1 आ गया, मतलब अपने पास आ गया 0.2। अब ये 0.2 देखो 0.2 यहां पर भी दिया है और यहां पर भी दिया है, तो अब बाकी बात क्या बतानी है कि इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अब तो अब यहां पे क्योंकि दोनों दे दिया गया है क्योंकि r प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर, अंदर क्या होगा कि अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस से बढ़ेगा, तो हमारे पास सीधी सी बात है कि ये इंक्रीज करेगा बाय 0.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहां एक चीज आप एक से डिस्कस करते हैं सर, हां ये जो परसेंटेज क्योंकि बहुत कम है इसलिए हम लोग डायरेक्ट डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एरर का कांसेप्ट या डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट है तो हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप 20-50% लोगे तो उस जगह प्रोसेस से चलना होगा। दूसरा एक चीज ध्यान रखना है कि यहां जो सर ने लिखा है proportional r proportional to l square इसका एप्लीकेशन तब होगा जब स्ट्रेच किया है, टेस्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट, वायर एक वायर है मान लो ये एक वायर है, इसके बाद दूसरा वायर ऐड कर दिया तो इसमें वॉल्यूम बदल गया, लेंथ को डबल करने पर सिर्फ डबल होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l होगा, कंफ्यूज नहीं होना है ना स्ट्रेचिंग पर आए। हां बिल्कुल, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नेक्स्ट है, ये टॉलरेंस लेवल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कलर कोडिंग रेड टू ऑरेंज एंड ब्लू। गोल्ड के लिए अपन लोग इतना लिखते हैं डायरेक्ट, हम लोग गोल्ड का 5% लिखते हैं, अपन लोग लिख लेते हैं तो सीधा सीधा बाकी कलर से तो कोई मतलब नहीं, बाकी कलर से हम लोग जो डिजिट्स हैं मल्टीपल ऑफ देखिए और कुछ नहीं टॉलरेंस लेवल पूछ रहा है तो टॉलरेंस लेवल हम लोग डायरेक्ट सिल्वर के लिए होता तो 10% और ग्रीन 10% और कोई कलर ना हो तो 20% ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 53 में सर है ना, ये अभी इसी तरीके का एक क्वेश्चन हमने पीछे बताया था, इसका 0.1% बताया था, अब यहां पर हमने क्वेश्चन दे दिया कि 10% ठीक है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज स्केलर इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 10% बाय स्ट्रेचिंग, यहां पे फोर्स किया गया है स्ट्रेचिंग का, ठीक है द न्यू रेजिस्टेंस तो r proportional to l square अपने को बनाना है, तो r1 upon r2 is equal to l1 upon l2 whole square, ये बनी बात। अब देखिए length अपने पास पहले l1 बराबर l है, फिर 10% बढ़ गया तो l by 10 कर रहे direct तो 1.1 l आ गया, ठीक है अब यहाँ पे value रखते हैं तो r1 अपने पास है, r1 है अपने पास 10 upon ये हो गया r2, ये हो गया अपने पास l और ये हो गया 1.1 l होल स्क्वायर, उसको जब सॉल्व करेंगे तो 10/r2 इज इक्वल टू 1.21 आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो r इक्वल टू 12 आएगा, r इक्वल टू 12 ठीक है। तो यहां पर आप आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 50। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54। रेशन ऑफ द वायर्स आर इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल बाय स्ट्रेचिंग। अब देखिए ये तो एकदम सीधा सीधा आपके पास आ गया आर प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। तो अपने पास क्या बन गया आर, ये है आर अपॉन आर टू इज इक्वल टू पहले लेंथ एल है, अब डबल हो गई लेंथ एल स्क्वायर, तो कितना हो गया आर टू बराबर आ गया 4। अब चेक कर लो बेटा आंसर पूछो 4 आर का सेकंड इसका सेकंड आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। व्हेन द करंट फ्लोस टू द कंडक्टर इट्स टेंपरेचर। अब जब किसी कंडक्टर से जब कोई करंट फ्लो होती है तो स्वाभाविक सी बात है ठीक है हीट एनर्जी जनरेट होगी, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। बस इतनी सी बात आ गई ना, उसी आराम से चलो पूरा कर लो कर, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं बढ़ते हुए, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 56 सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज वी। व्हेन अ करंट आई इज फ्लोइंग इन इट, if both the radius and current are double, then drift velocity will be, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, radius को भी double कर रहे हैं और current को भी double कर रहे हैं, ठीक है। drift velocity की बात करते हैं, तो तुम लोग formula use कर लें, n e a v d, ठीक है। ये current की value तो n यहाँ पर चेंज नहीं कर रहे, e तो कांस्टेंट बदल नहीं रहा, एरिया जो है ये रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं i प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखो यानी कि i2 by i1 is equals to r2 by r1 का स्क्वायर, फिर यहाँ v1 by v2, हाँ v2 by v1 का बस v2 by v1 ऐसा लिख दिया बच्चों। अब देखो ध्यान देना, यहाँ जो है रेडियस को डबल कर रहे हैं, है ना, और करंट को डबल कर रहे हैं, करंट को डबल कर दिया ये 2 आ जाएगा, ठीक है। रेडियस को डबल करोगे तो ये कितना 4 हो जाएगा, 4 हो गया। और v2 by v1 इसको रहने देते हैं, v1 की वैल्यू v पहले से गिवन है, आप यहाँ पर ये 2 से 2 टाइम्स में कट जाएगा तो v by 2 equals to v2 हो जाएगा ये, अब drift velocity क्या हो जाएगी v by 2 हो गया, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ गया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखो 57 में क्या लिखा है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर इज बेंड टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है और रेडियस रेडियस The resistance between its two diametrically opposite points A and B. So in the figure, as shown in the figure. तो देखो ध्यान देना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का जो resistance होगा, हम लोग इसको R not नाम देंगे। तो यहाँ से यहाँ भी वही resistance होगा R not. और दोनों कैसे connected हैं? Parallel में. तो क्योंकि parallel में connected है, तो R equivalent हम लोग R not by 2 लिख सकते हैं। ये resistance हमें यही तो find करना है। ठीक है, अब R not के लिए देखो 12 ओम क्या लिखा है, a wire of resistance 12 ओम पर मीटर, यानी लैम्डा की वैल्यू गिवन है, ठीक है बच्चों। तो देखो लैम्डा इनटू पाई इनटू आर, यहां से यहां तक का लेंथ पाई आर लिख सकते हैं ना, आर यहां रेडियस है, तो लैम्डा हम लोग यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेजिस्टेंस पर मीटर, तो ये लैम्डा इनटू लेंथ हो गया रेजिस्टेंस R not और divided by 2। अब क्या करना है, सिर्फ values को put करना है और unit का ध्यान रखना है बच्चों। lambda की value 12 given है, pi को pi ही रहने देते हैं क्योंकि answer देखो pi के term में भी है। radius को 0.1 लिखो और divided by 2, तो ये 0.6 pi यानी option number 1 हो जाएगा ना बच्चों, 0.6 pi, ठीक है। first option पे इसका first option correct हो गया। ये 57 था, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं question number 58 में आते हैं। देखो क्या लिखा है, थ्री रेसिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओम आर कनेक्टेड टुगेदर इन ट्रायंगुलर शेप, द रेसिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टिसेस,
ऐसे ट्रायंगुलर शेप का है, एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्टेड है, एक यहां, हम लोग इन दोनों पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ये आर दोनों सीरीज में, 2R उसके साथ ये आर पैरेलल में है, तो 2R/3 आर की वैल्यू क्या गिवन है, 2 गिवन है, तो ये 2R/3 यानी 4/3 हो जाएगा। सीधा सा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर बच्चों आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं वीडियो में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 59 देखो। Two wires of equal length and equal diameter and having resistivity rho1 and rho2 are connected in series, equivalent resistance of the combination. Series में connected है, जब series में connected है, पहले हम लोग resistance का equation लिखते हैं, क्या होगा देखो, क्या लिखते हैं, R is equals to R1 plus R2, ये तो formula है। अब एक ये conductor है और एक दूसरा ये conductor आपका सामने, ठीक है, इसके लिए अगर लेंथ l मान ले, दूसरे के लिए l, तो इक्विवेलेंट जो हम लोग रेसिस्टेंस लिखेंगे उसमें लेंथ 2l हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो रो इनटू l बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये सेम है, और इसमें क्या हो जाएगा, रो 1 l बाय a, l बाय a, और फिर रो 2 l बाय a, l बाय a सब में कैंसिल कर देंगे ना, तो यहां क्या जाएगा, रो इज इक्वल्स टू रो 1 प्लस रो 2 बाय 2, सीधा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन 2 आ गया, ऑप्शन नंबर 2 में ऐसा लिखा है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 60 देखो क्या लिखा है, इन द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस शोन बिलो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज, ए और बी दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो आपको एक चीज ध्यान रखना बच्चों, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, मतलब ये दोनों के बीच इससे कोई करंट नहीं, ये दोनों के बीच भी पोटेंशियल सेम है, इससे कोई करंट नहीं। अब सिंपल हो गया, ये 20 30 हो गया और ये टोटल सीरीज में कितना है, 60, तो 60/3 यानी 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं सर, 61 में the equivalent resistance between two points A and B, तो इस नेटवर्क का पॉइंट A ये है, B ये है, तो B जब यहाँ पर है तो B यहाँ पर होगा, फिर B यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, यहाँ पर भी अपने पास B पॉइंट होगा, यहाँ पर अपने को B पॉइंट मान लिया, तो बेटा B और P के बीच में एक रेजिस्टेंस, फिर B और P के बीच में एक रेजिस्टेंस, फिर B और P के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो ये तीनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, तो ये तीनों का पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन आया हो गया अपने पास R by, ये हो गया R by, ये हो गया अपने पास B और ये हो गया P और ये हो गया A, ऐसे मान लेते हैं, तो ये अपने पास हो गया R, ये हो गया R by B, अब इन दोनों का हम जोड़ दें इसमें सीरीज में, इन तो सब सीरीज में जोड़ेंगे तो 4R by C हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया, व्हाट बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए पॉइंट और ये डी पॉइंट, ये दो पॉइंट दिए हुए, इसके बीच निकाला तो हमने ये माना कि यहां पे बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, तो जब बैटरी ऐसे कनेक्टेड है अपने पास, तो क्या हुआ कि जो ये वाला रेजिस्टेंस, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, ये हमारे पास इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, तो जो करंट यहां से ऐसे आ रही होगी ये वाले, वो करंट इस पूरे में ऐसे जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों सीरीज में हो गया, तो ये हमारे पास आ गया कैपेसिटी, फिर जो करंट इसमें जा रही है, तो मान लिया आई टू इसमें जा रही थी, इसमें आई वन जा रही थी, इसमें आई टू जा रही है, तो ये अपने पास कितना हो गया, ये भी अपना हो गया 20, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस, इसके पास पोटेंशियल, दोनों सेम होंगे, तो यहाँ पे 20 और 20 पैरेलल में आ गए, तो 10 आ गया, तो अब ये पूरे कॉम्बिनेशन की जो वैल्यू आई वो आ गई 10, ये आ गई, अब ये 10, ये वाला 10 और ये वाला 10 मिल करके कितना हो गया, तो सीधा आपके पास आंसर का 30 आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मतलब 63 देखिए, 63 में क्या है, उदय बहुत, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए यहां पर है बेटा, बी यहां पर है, तो देखो जब बी यहां पर है तो ये हमारे पास ए की वायर पर है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया,
अब ये ए है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस था नहीं, तो ये भी अपने पास क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है, टी हो गया, ये अपने पास पॉइंट ए, मतलब ए और डी का पोटेंशियल सेम है, बिल्कुल सी और बी सेम पोटेंशियल, सी और बी डी सेम पोटेंशियल। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास, ये आप देखें तो ए और बी, ए और बी के एक रेजिस्टेंस ये है 2R, ये 2R है अपने पास, एक रेजिस्टेंस ये है 2R है, और एक रेजिस्टेंस ये है R, तो ये 2R और 2R मिलकर के हो गया R, ये 2R और 2R मिलकर के हो गया R, और R और आखिर पर नंबर फिर तो आ गया R भाई, इस तरीके से अपना ये आ गया। नेक्स्ट आप आते हैं 64 हमारे पास क्या बनेगा, सेम लेंथ सेम एरिया सेम एड्रेस एक ही मटेरियल के और सभी का जो रेजिस्टेंस दे रहा है ये 1 ओम है, देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो पैरेलल में जुड़े हैं सारे, किससे जुड़े हैं अलग तरह के पैरेलल, तो पैरेलल के हमारे पास क्या होता है R / L होता है, तो सीधा सीधा हम लोग सीधा R / 10 पे, तो R / 10 पे, तो क्या हो जाएगा R अपने पास है 1 और ये हो गया 10, कितना आ गया 0.1, अपना आंसर नंबर 10। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में 65 में देखिए ईच रेजिस्टेंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, ईच रेजिस्टेंस इन द फिगर आर गिवन एज 9, ये सब 9 ओम के हैं, ये सारे 9 ओम के और ये 9 वोल्ट लगा हुआ है, तो हर एक में करंट क्या है 1 एम्पीयर की करंट इसमें आएगी, 1 एम्पीयर इसमें आएगा, सभी में 1 एम्पीयर है, तो यहां से 1 आ रहा है, 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 तो 1 2 3 4 5, तो यहां पर कितनी आ रही होगी करंट, जो इसमें करंट आ रही होगी तो वही हमारे पास मेन हमारे पास एमीटर की रीडिंग होगी, ये जो एमीटर लगा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 5 एम्पीयर इसका आंसर। ये आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 66 इन द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट फ्लोइंग इन टू, इसके ग्राफ में करंट पूछा, तो पहली बात ये देखेंगे कि हमारे पास ये वीटेस्ट वोल्टेज बैलेंस है कि नहीं, तो आप देखिए ये 10/2 और ये अपने पास है 10/2, ये कितना आ गया 5 और इधर है 25/5, ये भी है हमारे पास, तो हमारे पास मतलब ये वीटेस्ट बैलेंस है, इसको हम जो करंट यहां से जा रही है वो करंट इस पूरे में रहेगी, कि ये मान लीजिए I1 बेटा और ये हमारे पास क्या पूरे में I2, ठीक है, तो अब ध्यान से ये बात देखनी है कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इसके क्रॉस होगा वो इसके क्रॉस होगा, सेम रहेगा, तो दोनों पैरेलल में है, ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये पूरा जो रेजिस्टेंस का सम आया कितना आया 12 और यहां पे कितना आया 13, तो यहां पर हम लोग कर ले पोटेंशियल पी को डो आईआर से, तो I1 × 12 बराबर I2 × 13, 6 से काटो 6 से कट कर दो तो कितना आ गया 2I1 = 5 I2, तो मतलब I2 अपने पास क्या आ गया, I2 अपने पास आ गया 12 4 I1 लिख दे डायरेक्ट, अब अपने पास निकालना क्या है I1 निकालना है मेरा, अब ये I1 प्लस I2 कितना दिया हुआ है, तो ये 1.4 के बराबर दिया हुआ है, I1 प्लस I2 बराबर दिया हुआ है 1.4 एम्पीयर के, ये एम्पीयर में है, I1 और I2 कितना दे दिया बेटा 0.4 I1 is equal to 1.4, ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.4 I1 बराबर 1.4, तो कितना आ गया बेटा I1 बराबर 1 एम्पीयर की करंट आ गई, ये जो बेटा 1 एम्पीयर कहां पर दिख रहा है ये आपका, तो इसमें भी बेटा आएगा 1 एम्पीयर और इसमें भी आएगा 1 एम्पीयर, इधर क्या आ जाएगा 0.4 एम्पीयर, ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 Kirchhoff's first law, sigma is equal to zero at the junction based on the law of conservation. तो Kirchhoff का जो पहला नियम है करंट का क्या कहता है? Algebraic sum of the current at the junction is zero. मतलब चार्ज कंजर्वेशन को ये रिप्रेजेंट करता है. That is the conceptual. तो अपना सीधा सीधा ये चार्ज कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट है. Next आते हैं. Next यहाँ पे Kirchhoff's second law that is based on the law of the conservation of energy.
ये अपना एनर्जी हो जाता है, तो सीधा अपने को लिख देना है। तो इन दो में कोई भी नहीं, इसीलिए दोनों क्वेश्चन दे दिए उनके लिए, बच्चों को देना दोनों अपना दोनों से करना सॉल्व में आ गया है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ए 50 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर, द करंट इज 4.5 एम्पीयर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, तो ये अपने को निकालना है। तो सीधा सीधा अपन लोग लगा देंगे, ये क्या दिया हुआ है, ये ई एम एफ दे दिया गया, ई इक्वल टू कितना हो गया 50, ये हो गया 50। अब रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, आर अपने को दे दिया गया 10, ये 10, ये है 10। अपने को क्या निकालना है, करंट दी है, करंट दी हुई है बेटा कितना 4.5 एम्पीयर का करंट, अपने को चाहिए आर, तो आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर प्लस आर लगा दो, आई अपने पास है 4.5 इज इक्वल टू बी कितना है, बी है अपने पास 50 और आर अपने पास है 10 और प्लस इस वाला, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 45 प्लस 4.5 आर बराबर 50, तो इसको इधर ले जाएंगे सॉल्व कर लेंगे तो 4.5 आर बराबर 5 आर इज इक्वल टू 1.5 या तो अपने पास सीधा आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर कह रहा है द ड्रॉ टू ड्रॉ द मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, हाउ शुड द सेल बी गो, तो इसमें होता क्या है कि वो देखना पड़ता है कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, मतलब हमें उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस की रिलेटिव वैल्यूज पर डिपेंड करता है ना, वो बिल्कुल रिलेटिव उसके हिसाब से सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, उसके तीन अलग अलग केसेस भी है, मेरे बच्चे को बता दें क्यूरियस में, जैसे अगर सीरीज में है सेल सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, बिल्कुल बिल्कुल, तो मान लो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर है, ठीक है, तो हम लोग लेते हैं मान लो ये एन सेल्स है टोटल, एन ई एन ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एन आर, एन आर ये करंट आ गया। अब अगर इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा तो उस कंडीशन में ये एन तो कट जाएगा क्योंकि हम लोग इस आर पर नहीं, इस आर पर नहीं हो गया, तो एन कट जाएगा ई बाय आर, एन ई बाय आर एक से ज्यादा हो गया, सब सब तो ये फाइटमन नहीं है, लेकिन इसके लिए अगर एन आर बहुत कम होगा ये नेगलिजिबल होगा, तो एन टाइम्स करंट दे देगा, यदि एन टाइम्स आ जाएगा है ना, इसको आप एन लिख दो, एक्सएल का करंट ई बाय आर है, हां तो एन सेल के लिए हमारे पास एन, तो ऐसे सीरीज का या फिर पैरेलल का फिर मिक्स्ड का वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, कंडीशन पे, इसलिए मैंने बोला इसका आंसर क्या होगा बिफोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 71 में देखो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा है, the magnitude of I in ampere unit is, देखो ये 60 है, ये टोटल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और ये कितना है 10, ठीक है, तो सब के सब पैरेलल में है, करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा टोटल 1 एम्पीयर करंट है ये तीन पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ना बच्चों ये अपने रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि अगर हम लोग बात करें इससे करंट I1 आ रहा है तो I1 I2, I3 और I3 का जो रेशियो होगा इसको 1/60 1/60 1/20 और 1/10 हमें क्या चाहिए इसमें I1 तो चाहिए, तो I1 के लिए हम लोग डायरेक्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फार्मूला यूज कर लें, 1/60 डिवाइडेड बाय 1/60 प्लस 1/20 प्लस 1/10 इनटू 1 या तो इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो प्रोपोर्शन है ना अगर आप सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1:3 फिर ये 6 ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो देखो बच्चों सॉल्व करना है तो आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 प्लस 6 इनटू टोटल करंट कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1.10 यानी 0.1 एम्पीयर का करंट होगा, इसको भी आप सॉल्व करो ना बच्चों तो 0.1 एम्पीयर होगा, लेकिन ये थोड़ा आपको लेंथी कैलकुलेशन लग सकता है, यही से इसको सिंपलीफाई करके वो तो अपना कैलकुलेशन है कि कहां पे आप को आप कितने यूज कर लो है ना क्या चीज आप यूज कर रहे हो, बस उस पर प्रोसेस समझना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, ठीक है। अगर ब्रेन सर नाबी क्वेश्चन नंबर 72 में देखो क्या लिखा है, ईएमएफ इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ कुछ रिलेटेड होता है बच्चों, देखो
एक्सटर्नल सर्किट में जब हम लोग करंट फ्लो करते हैं, मतलब एक्सटर्नल सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो IR पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पूरे सेल को अगर आप इंक्लूड करते हो तो पूरे सर्किट में जो चार्ज फ्लो होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो क्या है? तो EMF यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रिलेटेड है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ये देखो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोटिव फोर्स है, इससे कंफ्यूज ना हो। देखो इलेक्ट्रो फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। फोर्स नहीं होता, ठीक है, याद रखना है। और ये आंसर नहीं हुआ, आंसर 73 में है। इसमें क्या लिखा है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट। ये जो है किसी क्लोज लूप का पार्ट है, कोई क्लोज लूप का पार्ट नहीं है। तो जब तक कोई भी रेसिस्टेंस क्लोज लूप का पार्ट नहीं होगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। इसका करंट इसमें आएगा, इसका करंट इसमें जाएगा, इससे कोई करंट नहीं जाएगा सीधा लगा। वहां पे किरचॉफ का नियम लगाने लगना, क्योंकि बच्चे बहुत सारे क्या है कि किरचॉफ का लगाने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। अब आगे आगे नीट में इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं। हां, सारा कुछ जो पेपर बना है वो पूरा अपना नीट पैटर्न ही बना है और निश्चित तौर पे इसी से आया है। आगे बढ़े, आगे 74 में आ जाओ बच्चों। देखो क्या लिखा है, द मैक्सिमम पावर ड्रॉन आउट ऑफ द सेल फ्रॉम अ सोर्स इज गिवन बाय। मैक्सिमम पावर तो तब होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल हो। बिल्कुल है ना सर। तो हम लोग ऐसे मान लें, यहाँ पर ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ईएमएफ को ये ई से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए मैक्सिमम पावर के लिए। तो अब देखो करंट क्या हो जाएगा बच्चों, ई बाई टू आर। और पावर की बात करें, पावर हम लोग किसको क्रॉस करेंगे ना, तो ऐसे नहीं पूरे सर्किट के क्रॉस देना, एक्सटर्नल जो लोड लगा है उसको क्रॉस पावर। तो आई स्क्वायर आर, अब आप उसकी वैल्यू पुट करोगे तो ई स्क्वायर बाई फोर आर स्क्वायर इनटू इसकी वैल्यू स्मॉल आर लिख दिया तो ई स्क्वायर बाई आर बाई फोर आर, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि सेकंड वाला सेकंड आंसर का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे। 75 ये जो सर्किट दिया हुआ है हमें क्या फाइंड करना है, द करंट इन द गिवन सर्किट इज। एक सर्किट गिवन है आपको फाइंड करना है इसमें करंट। देखो बच्चों करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा, या तो ऐसे फ्लो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी पोलैरिटी आप देखो, इसकी पोलैरिटी देखो, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अपोजिट है, हां बस ये आपको ध्यान रखना है, अपोजिट है या सेम है, ये ध्यान रखना बिल्कुल। अब देखो या तो आप यहां पर चाहो तो केवीएल लगा सकते हो, किरचॉफ का लूप लॉ लगा करके भी सॉल्व कर सकते हो। हम डायरेक्ट लिखते देखो ये 5 है और इस तरह से जाएगा बैटरी उल्टा जाएगी, उल्टा बैटरी करेक्ट हो जाएगा। तो नेट ईएमएफ 5-2 लिख दो। ये नेट रेजिस्टेंस की बात करें कितना है 30, तो ये 3/30 1/10 1/10 को आप 0.1 लिख सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 0.1 इस तरीके से ये हो गया है ना। आगे देखते हैं सर क्या है क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फिगर शोज ए नेटवर्क ऑफ द करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द is shown here the current I will be। तो यहाँ पर ये करंट अपने को I निकालना है, ये वाली कि ये करंट क्या है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अपने को किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाना, जितनी करंट इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के इक्वल आना चाहिए। तो ये अपने पास है 10, इधर आया 6, तो इधर कितना बचा, ये आ गया 4। अब ये 1 इधर से आ रहा है, 4 इधर से आ रहा है, तो ये कितना हो गया 5, ये करंट हो गई 5। अब यहाँ से 6 एम्पियर है और ये 2 एम्पियर, ये इनकमिंग करंट है, तो यहाँ पे कितना हो गया 6 और 2 8 ये हो गया और 5 ये हो गया, तो 8 और 5 कितना हो गया 13। तो आंसर देखिए बेटा कौन सा है, आंसर नंबर 3rd थर्ड इसका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट क्लास से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ए गैलोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्ट, ठीक है। अब यहां पर आती है कि गैलोमीटर को हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो गैलोमीटर को जब हम एमीटर में कनेक्ट करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो एक्सेसिव करंट है वो निकल जाए, वो बाईपास, ठीक है। तो एक्सेसिव करंट हम चाह रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई मैक्सिमम करंट उधर से बाईपास, तो अपने को लो रेजिस्टेंस लेना होगा, कम से कम रेजिस्टेंस लेना होगा, इससे ज्यादा करंट निकल। तो यहाँ पर क्या आ गया,
लो रेजिस्टेंस इन पैटर्न। यहाँ ध्यान देना बच्चों, जो गैल्वेनोमीटर होता है ना बहुत ही डेलिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर उससे बहुत ज्यादा करंट फ्लो करवाए तो गैल्वेनोमीटर डैमेज दे रहा है। तो एक हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एक लिमिटिंग वैल्यू मान लेते हैं कि मैक्सिमम इतना करंट, उसको आईडी से रिप्रेजेंट कर दिया, इतना करंट मैक्सिमम फ्लो होना चाहिए, चाहे आप उसको एमिटर में कन्वर्ट करो चाहे एमिटर में कन्वर्ट करना है, हम लोग क्या करते हैं रेजिस्टेंस को स्मॉल रेजिस्टेंस को, इसीलिए शंट बोला जाता है क्योंकि ये शंटिंग कर रहा है। शंटिंग कर रहा है, आप देखो यहाँ से ज्यादा करंट चला जाएगा इससे करंट कम रहेगा, उससे उतनी करंट है जितनी जरूरत। या अगर हम लोग वोल्ट मीटर में कनेक्ट कर रहे हैं तो बहुत हाई रेसिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं तो तभी इतना करंट कम कर लिया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ज्यादा हो गया फिर से करंट यहाँ से कम ही जाएगा। तो बस ये चीज का ध्यान रखना है बच्चों कि चाहे आप इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो चाहे एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, गैल्वेनोमीटर से ऊपर जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसके लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा नहीं। और ये तो अब ये कोई करंट आ रही थी यहाँ से तो गैल्वेनोमीटर कितनी करंट अलाउ कर रहा है, द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू अलाउ 4% ऑफ द मेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में 4% 96% 96% को अप्लाई करा, इसको तो इधर हमने क्या कर दिया, इधर हमने कर दिया 0.4 कर दिया 0.04 ये आ गया अपने पास I, और इधर हो गया अपने पास 0.96 I हो गया, ये हो गया ना 4% पूरे का और ये हो गया हमारे पास 96, ठीक है। या अब हमने इसको लिख दिया IG और ये हमारे पास क्या बचा I माइनस IG बचा। अब पोटेंशियल इसके पास ये दोनों पैरेलल में है तो करंट इनटू रेजिस्टेंस इक्वल इक्वल होना चाहिए, तो ये हमारे पास आ गया 0.04 इनटू G कितना है गैल्वेनोमीटर का हमारे पास है रेजिस्टेंस 48 है इज इक्वल आई ये कट ही जाएगा, ये हमारे पास आ गया 0.96 S ये हमारे पास आ गया ये डेसिमल लगा दिया दोनों तरफ का ठीक है और इससे एक आगे बैठो अब टू से ये हमारे पास टू कट गया तो आर एस इज इक्वल हमारे पास क्या एस इज इक्वल हमारे पास आ गया तो टू ओम का शंट अगर हम लोग लगा दें तो अपने इधर से काम बढ़िया बन जाएगा ये हमारे पास आ गया टू ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में 79 नंबर पर 79 में देखिए क्या कह रहा है बाय एमिटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड एमिटर मीटर कहते हैं तो ये कह रहा है द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द ईएमएफ कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग तो ईएमएफ क्या होता है कि सेल का जो ईएमएफ हम लोग मेजर करते हैं अगर उसको पोटेंशियोमीटर से ही मेजर करते हैं अगर उसको वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे तो उसे कपल हीटर में थोड़ा गिरा करंट कुछ नहीं किसी वजह में कुछ ना कुछ करंट ले जाएगा ठीक है मतलब उसको अगर कहते हैं कि वो कुछ ना टैक्स ले जाता है जीएसटी ले गया तो ऐसे कह सकते हैं उसको ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ पोटेंशियोमीटर का यूज करके पोटेंशियोमीटर यूज करके लेकिन जब लेबोरेटरी में यूज करना हो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू पोटेंशियोमीटर ही यूज करेंगे। आगे 81 है द शोन इन द फिगर बिलो एमिटर विच सेट अब विद नल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस आर तो देखो ये पूरी लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर ये पूरा होता है 100 सेंटीमीटर ये 20 ये निकल गया तो ये अपने पास बचा 80 सेंटीमीटर बचा। अब सीधी सी बात है
रेजिस्टेंस और उसके सामने वाली लेंथ, रेजिस्टेंस और उसके सामने वाली लेंथ का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, क्योंकि ये हमारे पास यहां पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, बैलेंस बैलेंस कंडीशन रहता है। तो आ गया 55/20 = 80 r/8। तो इसको कट कर ले, 5 हो जा और 4 हो जा, क्या देगा 220 आ गया सीधा सीधा, तो 81 नंबर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 82 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
हाई रेजिस्टेंस सीरीज लग गया इधर पहले ऐसे ये हमारे पास आंसर है ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस सीरीज है ऑप्शन नंबर 1 अब ये हाई रेजिस्टेंस पैनल अब देखो यहां पे देखो हाई रेजिस्टेंस यहां दिखा अब गलती से देख लिया गलती से देखा तो पैनल टिक मार ठीक है जब ये बात ध्यान रखनी ठीक है बहुत जल्दी मतलब एकदम पैनिक नहीं होना बहुत जल्दी उतार नहीं होना पहले मार दिया मिस्टेक्स हो जाता है तो जल्दी जल्दी मैं आप मिस्टेक कर दे दो नेक्स्ट है द परसेंटेज एरर मेजरिंग द रेजिस्टेंस विद ए मीटर बेस कैंप इज मिनिमाइज बाय एडजस्टिंग द बैलेंस पाइप क्लोज तो इसमें जो हम लोग एरर मिनिमाइज करते हैं तो ये जो हमारे पास मीटर बेस होता है उसके लिए होती है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर तो ठीक अगर मीटर के आसपास रखते हैं तो हमारे पास एरर की एक्यूरेसी ज्यादा होगी एरर कम होगा तो मिनिमाइज करने के हम तो इसको फिर जस्ट मिडिल पॉइंट पर पास हमारे पास क्या गया 50 ये सब प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं बच्चों ठीक है आपको ये आपको ध्यान रखना है ठीक है ये आपका 83 नंबर आगे बढ़े हां नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 नेक्स्ट है ए वोल्टमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ जी वोल्टमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ जी ओम एंड रेंज वी ठीक है द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस यूज्ड इन सीरीज टू कन्वर्ट it into voltmeter of range n ठीक है तो एक्चुअल ये देखा जाए तो हमारे पास क्या होगी यहां पे करंट अपने पास ig निकल आई कितना ig अपने पास आ गया v by g ये क्या अब फिर क्या है द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सीरीज टू कन्वर्ट n v रेंज तक भी करना है अपने को क्या करना है n v रेंज तक करना है ठीक है तो अब क्या करना था अपने को ये हमारे पास ऐसे था और ये अपने लगाया हाल और ये हमारे पास था आई जी अब ये मान रहे कितना मेजर करवा रहे हैं एन वी तो एन वी इज इक्वल कितना हो गया एन वी इज इक्वल हो गया आई जी इनटू जी प्लस आर एन वी इज इक्वल टू वी अपॉन जी और ये कितना हो गया जी प्लस आर इसको कैसे कट कर दिया एन जी माइनस जी इज इक्वल टू आर अब r देख लो कितना आ गया ये अपने पास आ गया n minus 1 into g ऑप्शन चेक कर लो ऑप्शन आपके पास आ गया n minus 1 into तो 84 अभी फोर सो आपका नहीं तो बच्चों ये भी कर सकते हो यहाँ पे रेसिस्टेंस g है और हमें n भी करना है ये कितना रीड करेगा v वोल्ट में रीड करेगा तो बाकी बचा हुआ n minus 1 3 वोल्ट कौन रीड करेगा वो वाला ये रीड करेगा बस ये बचा इस हिसाब से आप डायरेक्ट कर सकते हो इस रेसिस्टेंस को किस सीरीज में करें सीरीज में हां बिल्कुल तो डिस्टेंस सेकंड हो गया हां तो बढ़ते सर ये 84 तो हो गया 85 नेक्स्ट कह रहा है ए रेंज ऑफ वोल्टमीटर इज वी व्हेन 50 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज इफ द रेंज गेट डबल देन 500 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड तो इसमें जो हमारे पास जो IG की वैल्यू जा रही है जो मिनिमम करंट वहां से जा रहा है वो तो सेम रहेगी दोनों में तो अपन लोग डायरेक्ट लगा दें फार्मूला V is equal to IG G plus R ये होता है फार्मूला तो V1 upon V2 is equal to G plus R1 upon G plus R ऐसे कर तो V हमारे पास क्या है ये हमारे पास पहला है V और V2 क्या है V2 है डबल कर दिया गया V2 डबल कर दिया मतलब V कर दिया G अपने पास बेटा 50 और R1 कितना है R1 है G हमारे पास है G की वैल्यू अपने को निकालना तो G प्लस G हमारे पास है 50 50 में रेजिस्टेंस शुरुआत में तो 50 और बाद में कितना करेक्ट हो गया 500
जी प्लस फाइव ये ऐसे कट होंगे तो यहाँ से क्या होगा प्लस मल्टीप्लाई करना ये अपने पास आ गया 2g प्लस 100 बराबर g प्लस 500 इसको इधर ले आओ इसको इधर ले जाओ तो g बराबर आ जाएगा 4 ठीक है तो ये इसका फोर्थ वाला ऑप्शन नंबर करेक्ट ठीक है इस तरीके से ये आपके 85 हो गए तो आगे अगले क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में देखो बच्चों क्या लिखा है इन द सर्किट shown in the figure, sorry, in the circuit shown, the cell A and B have negligible resistance. A और B का कोई resistance नहीं है. For V A, 12 volt. यहाँ पर 12 volt का potential दिया हुआ है. R1 ये दिया हुआ है 500. बिल्कुल. 500 ohm. और ये 100 ohm दिया हुआ है. The galvanometer shows no deflection. ये balancing condition है. हाँ. जो potential difference इसके across है, वही potential difference इसके across होगा. इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा हमें क्या चाहिए VB यानी यहां का पोटेंशियल डिफरेंस या आपके लिए इसके अंदर से बिल्कुल तो VA यहां पर 12 वोल्ट दिया है बच्चों 12 वोल्ट ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस 600 ओम हो जाएगा तो 12 बाय 600 ये तो आ गया करंट अब इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल चाहिए तो ये 200 कर दिया तो ये कितना आ गया 2 आ गया तो आंसर इसका 2 वोल्ट हो जाएगा यानी कि 12 वोल्ट में से 2 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप यहां और 10 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप यहां होगा ये जो VB है इसकी वैल्यू 2 वोल्ट आगे बढ़ते हैं सर ये क्वेश्चन नंबर 86 हो गया 87 में देखो बच्चों क्या लिखा है AB इज अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस द गैल्वेनोमीटर G शोस नो करंट व्हेन द लेंथ AC इज 20 सेंटीमीटर एंड CD इज 80 सेंटीमीटर रेसिस्टेंस आर इन दोनों का रेशियो इक्वल होता है ये भी 80 है ये भी 80 है ये भी 20 है ये भी क्या हो जाएगा बच्चे 20 ओम हो जाएगा आंसर सीधा हो गया सिंपल है आगे बढ़े बता दें सर बिल्कुल 87 हो गया 88 देखो बच्चों क्या लिखा है अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस जी कैन मेजर 1 एंपियर करंट यानी कि ये आईजी की वैल्यू गिवन है ठीक है If a shunt S is used to convert it into an ammeter or to measure 10 ohm, 10 ampere current, the ratio of G by S. पहले जो current flow हो रहा था, वो 1 ampere का current flow हो रहा था, ठीक है ना? ये IG की value है, अब एक total 10 ampere है, तो बचा हुआ 9 ampere current कहाँ से जा रहा होगा? इधर से जा रहा होगा, shunt से जा रहा होगा, ये S हो गया, ये G है, अब अगर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बच्चों दोनों का जो रेशियो है रेशियो की बात करें करंट के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है ना अगर ये करंट 1:9 में है तो आप जी बाई एस जी बाई एस को 9/1 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा सही ये समझ में आया सीधा सीधा आंसर सीधा कर देते हैं कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं करेंगे हां पोटेंशियल इक्वेट कर सकते हो आप पोटेंशियल इक्वेट करके फिर उससे भी आएगा बात तो वही होगी वही रहेगी ठीक है अगर हमने तो टाइम बचाना होता है टाइम बचाता तो एग्जाम में ये चीज ध्यान रखना होता है कि एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना वो भी कम समय में तो ट्रिक क्या आता है आगे बढ़े सर नेक्स्ट 89 देखो इसमें क्या लिखा है कौन सा ग्राफ ओमिक रेसिस्टेंस के लिए है हम लोग जानते हैं अगर ओमिक रेसिस्टेंस है तो V प्रोपोर्शनल टू I होता है यानी स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास होगा ऑप्शन नंबर 1 नहीं ऐसा है हम लोग ने इसको तो थ्योरी में पढ़ते ही बच्चों ठीक है और तो यहाँ पर क्या है पोटेंशियल कांस्टेंट है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है कुछ भी हो सकता है ना लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है ये सारे ऑप्शन में से कुछ भी ओमिक में सीधा सा है कि बी प्रोपोर्शनल बी प्रोपोर्शनल टू वाई ठीक है अगला बात है सर लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है द वोल्टेज वी एंड करंट आई ग्राफ फॉर कंडक्टर एट टू डिफरेंट टेंपरेचर्स T1 एंड T2 आर शोन इन द फिगर द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 यानी हमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर है या दोनों इक्वल हैं या नियरली इक्वल हैं देखो वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रेसिस्टेंस को बताता है बिल्कुल ठीक है ना सर अब यहाँ पर इसके लिए स्लोप ज्यादा है अगर इसका रेसिस्टेंस R1 मान लें तो R1 का जो वैल्यू होगी वो R2 से ज्यादा होगी अब एक ही वायर है ज्यादा टेम्परेचर पर क्या होता है रेसिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से इसका मतलब ये हुआ कि R1 में अभी कंडक्टर दिया हुआ कंडक्टर तो R1 है R1 ज्यादा है तो यहाँ पर
T1 भी ज्यादा होगा सेमीकंडक्टर के केस में उल्टा हो जाएगा लेकिन यहां क्वेश्चन में सेमीकंडक्टर है नहीं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 ठीक है बच्चों तो बेटा इस तरीके से आपके सारे आज का पेपर खत्म हुआ बेटा दो चार दो बातें आपको ध्यान रखनी है कोई भी क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करना क्यों सर बिल्कुल क्वेश्चन में कोई जल्दबाजी नहीं करना जल्दबाजी नहीं करना है टाइम मैनेजमेंट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने दूसरी बात और ये कि जो बॉस के जो जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे के सारे फॉलो करो ठीक है निश्चित तौर पे 100% बेटा सफलता मिलेगी ओके बेटा गुड लक ऑल द बेस्ट बाय बाय ओके